आज का हमारा सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम सेट टू अडॉप्ट एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन से ऑप्शन में सेंट्रल एटम का एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं और स्ट्रक्चर से हम देख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा। सबसे पहले बी एफ टू है, तो बी एफ टू में बेरिलियम और दो फ्लोरिन लगे हुए हैं। बेरिलियम के पास क्या कोई लोन पेयर बचेगा? तो नहीं बचेगा, क्योंकि बेरिलियम के पास वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों के दोनों बॉन्डिंग में चले गए, कोई लोन पेयर नहीं है। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में आपका क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को काउंट करते हैं हम लोग। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, यदि ये वैल्यू आपका दो आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन एसपी हो जाता है, तीन आ जाए एसपी टू हो जाता है, चार आ जाए एसपी थ्री हो जाता है, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिग्मा इधर एक सिग्मा इधर, दो सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन एसपी हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी पे हम आते हैं, ऑप्शन बी है बी एफ थ्री। तो बी एफ थ्री का स्ट्रक्चर की हम बात करें तो बी एफ 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 वैलेंस में बोरोन के थ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है और यहाँ पे तीन सिग्मा बॉन्ड बना, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, एस पी टू। तीन सिग्मा बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं, बी एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन। और आपको यही बताना भी था एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन कहाँ पे होगा, तो आंसर आपको मिल चुका है ऑप्शन बी। बाय द वे सी एंड डी को भी चेक कर लेते हैं। सी टू एच टू, सी टू एच टू इथाइन है, जहाँ दो कार्बन आइटम और दो हाइड्रोजन आइटम है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। यदि हम यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड देखें तो कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, दो पाई होता है, और सिंगल बॉन्ड में तो एक ही सिग्मा होता है, एक सिग्मा इधर से एक सिग्मा इधर से, दो सिग्मा दो के लिए हाइब्रिडाइजेशन आएगा एस पी। कार्बन के पास कोई लोन पेयर होगा नहीं, चारों इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं, तीन इधर एक इधर। सेम वे में इस कार्बन के अभी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, एस पी आएगा, एक सिग्मा इधर ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा लेंगे, एस पी हाइब्रिडाइजेशन। तो दोनों एस पी आ रहा है, तो ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन डी एन एच थ्री की बात कर लेते हैं, तो एन एच थ्री का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, एन एच एच और एक लोन पेयर। तो यहाँ पे तीन सिग्मा और एक लोन पेयर, चार चार के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, एस पी थ्री। लोन पेयर नाइट्रोजन के पास आएगा, क्योंकि टू कॉमा फाइव होता है, पांच में से तीन चला गया बॉन्डिंग में, दो इलेक्ट्रॉन बच गया लोन पेयर के रूप में, तो लोन पेयर भी आपका हाइब्रिडाइजेशन में कंसिडर होता है। तो दो एक लोन पेयर और तीन सिग्मा बॉन्ड, तीन एक चार, चार के लिए हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री लिख देंगे। तो इसलिए यहाँ पे सेंट्रल एटम के पास एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन केवल ऑप्शन बी में हो रहा है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।